सीएम सिटी करनाल में किसान सरकार पर अपनी अनदेखी का आरोप लगाते हुए उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रोष स्वरूप किसानों ने दशहरे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका है। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा जारी 3 अध्यादेशों का कड़ा विरोध किया। आपको बता दें कि करनाल के लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठे किसानों द्वारा किसान यूनियनों के आह्वान पर दशहरे के दिन प्रधानमंत्री का पुतला जलाया और अपना रोष जाहिर किया। गौरतलब है कि किसान यूनियनों द्वारा पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि दशहरे के दिन किसान यूनियन मोदी का पुतला जलाएंगे, जिसके चलते करनाल के लघु सचिवालय के सामने बड़ी संख्या में किसानों ने इकट्ठा होकर नारेबाजी की एवं 3 अध्यादेश वापस लिए जाने की मांग की। वहीं किसानों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में लाए गए 3 अध्याय देशों की प्रतियां जलाकर अपना रोष जाहिर किया। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। पुलिस अधिकारियों द्वारा किसानों को समझाने बुझाने की कोशिश की गई, परंतु किसान अपनी बात पर अड़े रहे और नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर अपना रोष जाहिर किया। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। 16 तारीख से लेके आज हमारा 10वां दिन का धरना है, जो आपके सामने 12 सेक्टर डीसी ऑफिस के सामने है। आज हमने एक निर्णय लिया है 37 घंटों में बैठ के कि आज हम जो है यहाँ उसका पुतला जलाया हमने मोदी जी का, और साथ में हमने 3 अध्यादेश की कॉपियाँ वो आपके बीच में यहाँ जलाई हैं। रोष है किसानों के अंदर और बहुत दिल से कह रहे हैं, सारे किसान रो रहे हैं, और आज उनके दिल के अंदर एक बड़ास है, वो निकालने के लिए ही मोदी जी को आज यहाँ उन्होंने हमने पुतला जलाया है कहीं आपके से। तो सर क्या ये सही लगता है कि प्रधानमंत्री का एक पुतला सड़क के बीचों बीच जलाना? देखो क्या करें, लोग वहाँ सड़ रहे हैं, किसान खेतों में जड़ रहे हैं, पराली के अंदर जब पराली जलाने की बात आती है तो पता नहीं कितने किसान मरते हैं ऑल इंडिया के अंदर। हम उसको पुतला में नहीं जला सकते, किसान असलियत में ही सड़ रहा है। प्रशासन भी आया था आपसे कुछ अपील कर? हाँ प्रशासन आया था, प्रशासन अब हमारे से यही कह रहा था कि आप जो है आज हमारे से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप पुतला मत जलाइएगा, तो हमने भी उनको ये कहा कि हम प्यार से ही पुतला जलाएंगे, बड़े आराम से ही पुतला जलाकर हम आज मैसेज देना चाहते हैं मोदी जी को, यही है कि जो पाले कानून 3 लेके आए हैं उनको वापस लें। क्या नाम है आपका? सरदार गुरमुख सिंह, अंदाता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर 3 कानून की बात कही थी, उसके विरोध में आपने आज पुतला फूंका है, लेकिन पेमेंट की अगर हम बात करें 72 घंटे के अंदर पेमेंट देने की बात कही थी, क्या वो पेमेंट आ रही है? बिल्कुल सर नहीं आ रही, बिल्कुल आज तक भी नहीं आई। अभी देखो ना, अभी उन्होंने 1 करोड़ रुपया मंडियों में उसमें खातों में डाला, और वही बता रहे हैं, देखो 1 करोड़ रुपया डालने के बाद भी पता लगा कि वही जो 1 करोड़ रुपया है सब्जी विक्रेता के अंदर हिसार के अंदर इनके ही अफसरों ने वहां डाल दिया, सब्जी विक्रेता के खातों में चले गए, किसानों के खातों में आज तक नहीं आया है कोई भी। तो ये भी एक किस्म का घोटाला है? बिल्कुल घोटाला है जनाब, आपके चैनल से हम कह रहे हैं कि बिल्कुल घोटाला कर रहे हैं ये लोग, लोगों का शोषण कर रहे हैं, किसानों के साथ बहुत बड़ा एक अन्याय कर रहे हैं। तो किसान कहाँ तक संघर्ष के लिए तैयार हैं? किसान जो है हर बार की लड़ाई लड़ेंगे। अब हमारी 27 तारीख रकाबगंज गुरुद्वारा के अंदर हमारी कल 27 तारीख को हमारी मीटिंग भी है, वहाँ कुछ लोग जाएंगे। वैसे मेरे पास तो यहाँ यूपी से लोग 27 को 28 को यहाँ आने वाले हैं, अगर वो नहीं आते तो फिर मैं भी जाऊँगा, वरना मेरे वहाँ यहाँ उनको भी मैंने अटेंड करना पड़ेगा। शायद मैं आऊँ, मैं अपने आदमी वहाँ भेजूंगा अपने मेरे संगठन के पास 27 तारीख रकाबगंज गुरुद्वारे के अंदर जाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.